हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसकी नहीं, हम बात करेंगे उस शख्स की जो इसकी वजह से बहुत चर्चा में है। जी हाँ, सही पकड़े हैं, कबीर सिंह। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स ऑफ दिस ईयर। इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 150 करोड़ एट बॉक्स ऑफिस एंड स्टिल काउंटिंग। तो जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि कबीर सिंह एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही ऑब्सेस्ड है, बहुत ही हरामी टाइप का है, बहुत ही डेंजरस है, जिसके सिर्फ दो ही काम है, पीना और पेलना। ये पीता है, पेलता है, पीता है, पेलता है, और अगर किसी ने इसकी बंदी को छेड़ दिया तो फिर ये उसे पेलता है। तो इनडायरेक्टली वो पेलने में विश्वास करता है। अब इस कैरेक्टर ने हमारी सोच को बिल्कुल बदल दिया है। लोगों की सोच थी कि लोग पी के पड़े रहते हैं, लोग पी के टल्ली हो जाते हैं, पर इस कैरेक्टर ने बिल्कुल नया करने की कोशिश की है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। हमारी पुरानी फिल्मों में शाहरुख साहब थे जिन्होंने देवदास में बहुत पी ली थी, पीने के बाद वो फैल जाते थे और कुछ इस तरह से हो जाते थे, पारो पारो दुनिया वालों आओ मेरी मारो मुझे छोड़ गई पारो। और ये कबीर सिंह है, पीने के बाद मल्टीपल ऑपरेशंस करता है, सर्जरी करता है। तो ही इज़ गिविंग अस पावर, मतलब वो ये दिखाना चाहता है कि पीने के बाद भी आदमी की कैपेबिलिटी कम नहीं होती। तो दोस्तों, आपके लिए पेश हैं कबीर सिंह। आपने देखा होगा कि शाहरुख साहब DDLJ में सिमरन के घर में महीनों तक रहते हैं, उससे छत पे छिप छिप के मिलते हैं, पर 8 महीने में कुछ नहीं कर पाए। किस तक नहीं किया भाई ने। और ये देखो, उसके घर में घुसा, ओपन टेरेस पे किस करते हुए पकड़े गए, वो भी उसके बाप के हाथों। यार बंदे में दम तो है, मानना पड़ेगा, कंट्रोल नाम की चीज़ ही नहीं है भाई में। तो दोस्तों, ऐसा है कि दारू है बहुत बड़ी चीज़, इस पर बनी हुई हर फिल्म आज के डेट में हिट है। आप देख लो, कबीर सिंह, देव डी, देवदास, आशिकी 2, अरे बहुत नाम है भाई, गिनाते गिनाते थक जाऊंगा मैं। इससे ये पता चलता है कि ज़माना दारू पीने वालों का है। कबीर सिंह के ट्रेलर लॉन्च के बाद कुछ लोग कबीर सिंह से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड हैं। मेरे मोहल्ले में ही एक बंदा बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड है कबीर सिंह से। उसने दाढ़ी बढ़ा ली बहुत ज़्यादा, गॉगल लगा लिया, सुबह तो सुबह, शाम में भी वो गॉगल लगा के घूमता है। गर्लफ्रेंड तो है नहीं बेचारे की, कुत्ता है छोटा सा उसके पास, किसी ने एक दिन उसके कुत्ते को हड़का दिया, अब गर्लफ्रेंड के लिए ना सही, कुत्ते के लिए भिड़ गया वो किसी से। वो बंदा ऐसा है, जान तो है नहीं शरीर में, पर वो भिड़ गया, पिटपिटा के आ गया। तो भाई, कबीर सिंह बनने के लिए सिर्फ पीना ही ज़रूरी नहीं होता, लुक ही बनाना ज़रूरी नहीं होता, और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि कबीर सिंह देखने वाली मूवी है, अच्छी है, पर कबीर सिंह से इंस्पायर होकर प्लीज़ पीना मत शुरू कर देना। क्योंकि पता है, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि रात भर पी शराब, जी जनाब, रात भर पी शराब तो रात कट गई, और सुबह जो किया हिसाब